जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है ना, वो दृष्टि दोष के बारे में तथा कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि जानते हैं कि जब मैंने चैप्टर 10 यानी प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन, ये मैंने चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था, तो उस वीडियो में भी मैंने ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था यानी बता दिया था। ठीक है, तो आप कहो कि भैया ये दोबारा क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई एग्जाम नज़दीक आ गया है और बच्चा कन्फ्यूज है कि भाई हम कौन कौन से क्वेश्चन याद करें, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट ज़्यादा मारना चाहते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे वो नहीं मारना चाहते, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा जंप करना चाहते हैं, सीधा इंपॉर्टेंट ही पॉइंट पे लगे रहते हैं। तो भाई आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, आपको रेगुलर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हम समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना जाना माना क्वेश्चन है, यानी जाना माना पहचाना कह सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि वही क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना ना, तो भुगतोगे भाई। थंबनेल पर देखे हो ना क्या मैंने लिखा है, समझ जाना। ठीक है, समझो दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, समझना बहुत आसान है। देखिए, हमारा आँख है और आपका आँख है, ठीक है। जब तक हमारा आँख और आपका आँख है ना, क्या करता है, किसी भी वस्तु के एकदम साफ साफ दिखता है, बढ़िया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, तब उसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है। ठीक है, जब कोई दृष्टि दोष नहीं होता है ना, तो हमारा जब भी कोई वस्तु को देखते हैं ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारे आँख के पीछे रेटिना होता है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। जब आपसे कोई पूछे कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ना भैया, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ भाई, छाया हुआ, ठीक है, यानी इमेज हुआ, फोटो कह सकते हैं। तो जब हम किसी वस्तु, मान लेते हैं इस वस्तु को हम देख लिए भाई, इसका जो छाया है प्रतिबिंब हमारे आँख के किस भाग पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, रेटिना इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है, याद रखना, तो रेटिना पर बनता है। तो भाई अब दृष्टि दोष किसे कहते हैं, हम परिभाषित इसी से करेंगे कि जब हमारा आँख जो है ना भैया, जब हमारा आँख रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना यानी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाना खो देता है ना, यानी नहीं बनाता है, तो समझ जाना भैया इसमें दोष हो गया, कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो गया। दोष का मतलब क्या भाई, दोष का मतलब बीमारी मत समझना, ठीक है, दोष का मतलब होता है कमी। हाँ भाई, इसके अंदर ये कमी हो गया, यानी इसकी आँखों में कमी हो गया, किसी में निकट दृष्टि दोष कमी हो गया, मतलब हो गया तो किसी में दूर दृष्टि दोष, तो किसी में जरा दूर दृष्टि दोष, ऐसे होता है ना। तो अब हम परिभाषित करेंगे कि भैया दृष्टि दोष क्या है, कॉपी कलम निकालो और लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है, तो जब हमारा आँख, किसी का भी आँख हो तो हम लिख सकते परिभाषा में कि जब हमारा आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, तो समझ जाना वो दृष्टि दोष कहलाता है। ये आप डिफिनेशन में लिख देना। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया मैं आपको बता दूँ कि यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कई जगह तो चार प्रकार के ही दिए रहते हैं, लेकिन वो वाला जो होता है ना, वो एक एक्स्ट्रा होता है। हमने आपको जब चैप्टर समाप्त किया था उसमें मैंने वो भी बता दिया था, तो हम सिर्फ यहाँ पे प्रकार जानेंगे यह कितने प्रकार का होता है। तो भैया किसी कोई भी पूछे ना, बता देना मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। कॉपी कलम निकालो, हाँ मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि होता है, ये तीन प्रकार के दोष। तो देखो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो दृष्टि दोष क्या है, इसका डिफिनेशन भी लिख दिया कि जब हमारा आँख रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं, और दृष्टि दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष जो है, दूर दृष्टि दोष को हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, याद रखना। तो निकट दृष्टि दोष भाई किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष आप सिर्फ साफ याद रखो, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, कोई भी वस्तु, निकट की वस्तु जो होती है ना साफ दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी तथा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, याद रखना। जब निकट दृष्टि दोष कहे ना, तो निकट की वस्तु साफ दिखेगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगी और
क्या कहते हैं, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, ये याद रखना ठीक है। अगर आपसे पूछे तो ऐसे लिख देना। जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी ना तो निकट की वस्तु दिखता है ना तो दूर की वस्तु साफ दिखता है, ठीक है, ये हो जाते हैं जरा दूरदृष्टि दोष में। तो जब आपके एग्जाम में ये आए तो भाई ऐसा लिख देना। अब आप कहोगे भैया इसका कारण भी लिख दो क्यों होता है, तो ज़्यादा ही माहिती बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा गया उतना हमने लिखे, नहीं तो इस सब का कारण भी है, इसका उपाय भी है, सब मैंने पढ़ा चुका है भाई, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या कमेंट सेक्शन में जाओ, है ना, जितने भी चैप्टर उन सब का एक एक वीडियो में मैंने समाप्त किया, जाकर के देख लो, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख देना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।